नमस्कार दोस्तों, दिल्ली समाचार में मैं मनोज सिन्हा आपका स्वागत करता हूं। आज बात करते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन यानी राहुल गांधी की, जो आजकल खासे चर्चा में रहते हैं। वो संसद में रहे तो, सड़क पर रहे तो, दोनों में उनकी बातें खूब की जाती हैं, लेकिन वो तब ज़्यादा हाईलाइटेड हो जाते हैं जब उनकी निंदा होती है। यही हाल देखने को मिला 15 अगस्त को, जब उन्हें 5वीं पंक्ति में बिठाया गया। हालांकि सरकार ने इसका खंडन किया, खेद व्यक्त किया, क्योंकि उन्होंने कहा कि ओलंपिक खिलाड़ियों को सम्मान देना था, इसलिए राहुल गांधी को पीछे बैठा गया। हालांकि जो कायदे कानून हैं उसके मुताबिक राहुल गांधी चूंकि एक कैबिनेट मंत्री के दर्जे में हैं, उनको आगे बैठना था, लेकिन हुआ ये कि इसके बजाय उनको और हाईलाइट मिला, लोगों में खूब चर्चा हुई। यही बात उन्होंने अब आजकल अपना तेवर बदल दिया है, अंदाज बदल दिया है, कभी कैब में बैठ जाते हैं, कभी मोची के पास चले जाते हैं, और लोगों के बीच बैठने का जो अंदाज है वो सबको पसंद आ रहा है। लोग कनेक्ट करते जा रहे हैं, अभी वो रायबरेली गए हैं, वहाँ भी लोगों के दुख दर्द में शामिल होते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो राहुल गांधी का जो अंदाज है, जो उनका लोगों से मिलने के लिए जो जज्बा हुआ है, वह काफ़ी काबिले तारीफ है, और आने वाले दिनों में और भी सुर्खियाँ बटोरने की हमारी चर्चा दोस्तों जारी रहेगी। तब तक आपसे आग्रह कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।